चले माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ये टॉपिक, बस ये खत्म कर लेते हैं, आज सैटरडे है, डन। नाउ द टॉपिक इज परचेज रिटर्न बुक। क्या बेटा? सिंपल, द बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। बेटा क्या? द बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न्स, उसे क्या हम कहते हैं? परचेज रिटर्न बुक। तो चलिए बेटा साथ साथ लिखिए आप। हाँ जी, कॉपी निकाले आप, लिखिए साथ साथ। द बुक विच, द बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली, बेटा क्या रिकॉर्ड करेगा ये? सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न्स, उसे क्या हम कहते हैं? इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। हम पढ़े is called purchase return book, वो book जो record करती है सिर्फ क्या? credit purchase returns। credit purchase return का मतलब जैसे credit purchase of goods, credit purchase return of goods, credit purchase, समझ आया? अच्छा मुझे बताइए ये क्या क्या record नहीं करेगा? it does not record, बराबर वही जो था हमारा। देखिए, कैश परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ये वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरा, कैश परचेज रिटर्न ऑफ एसेट्स। तीसरा, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ एसेट। नाउ लिसन टू मी माय डियर, सबसे पहले आप करते हो परचेज, उसके बाद करते हो रिटर्न। मेरी बात समझिए, क्योंकि यहां पे मुझे एक टर्म बतानी है, उस टर्म का नाम है बेटा डेबिट नोट। क्या? क्या है बेटा? डेबिट नोट एक टर्म है। मुझे बताइए, जब आप परचेस करेंगे, क्या आप कस्टमर हो कि सप्लायर हो? यू आर कस्टमर, ठीक है। अब आप वो गुड्स वापस करते हो, क्या करते हो? स्टिल यू आर कस्टमर, स्टिल यू आर, लेकिन जब आप गुड्स वापस करते हो ना, आप उन गुड्स के साथ उसे एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। क्या करते हो? कि हमने ये गुड्स वापस किए, ठीक। लेट इट बी, आपने गुड्स लाए थे ए बी सी डी और ई, सी और ई आपको नहीं लगा, इन्फीरियर क्वालिटी थी या ब्रेकेज थी, एक्सीडेंट हुआ है इन्हें, तो आप सी और ई को वापस करना है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कि हमने सी और ई जो गुड्स आपने सेंड किए, सी और ई कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एसी, इट कैन बी योर टेलीविजन, इट कैन बी कैमरा, गुड्स है ना, ठीक। सी और ई हमें जरूरत नहीं है, ये आप वापस लीजिए, एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डेबिट नोट। सो व्हाट इज डेबिट नोट? द डॉक्यूमेंट विच इज सेंट बाय द कस्टमर टू द सप्लायर फॉर द रिटर्निंग ऑफ गुड्स। समझ आया व्हाट इज डेबिट नोट? कौन सेंड करता है? कस्टमर करता है सेंड। किसे करता है? सप्लायर को। कब? एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, एट द टाइम ऑफ, ऐसे लिखेंगे द डॉक्यूमेंट
द डॉक्यूमेंट विच इज सेंट, कौन भेजता है इसे? कस्टमर भेजता है, बाय द कस्टमर, किसे भेजता है? सप्लायर, टू द सप्लायर, बेटा कब भेजता है? एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न्स इज कॉल्ड, व्हाट यू कॉल दैट? डेबिट नोट. एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेबिट नोट? व्हाट इज, आपको पता है कि ये भेजता कौन है? कस्टमर, बिकॉज यू बीइंग द कस्टमर, ठीक है? आप किसे भेजते हो? सप्लायर को. हाँ, ये उसे कहता है हमने ये रिटर्न किए, प्लीज एक्नॉलेज इट, प्लीज एक्सेप्ट इट, इट इज अ क्वेश्चन. व्हाट इज इट? ये एक क्वेश्चन होता है. क्या होता है? याद रखना, इट इज अ टफ लगा जी, व्हाट इज इट? क्वेश्चन. और जो इसका ये है ना, देखिए बेटा फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट बराबर सेम है, फॉर्मेट बराबर, लेकिन सिर्फ एक चीज, डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस की जगह हम क्या लिखेंगे? डेबिट नोट नंबर. डेबिट नोट, क्या समझ आया आपने? समझ आया मतलब उस डेबिट नोट का नंबर क्या था, वन था, टू था, जो भी होगा लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आपने पता होनी चाहिए व्हाट इज डेबिट नोट. द डॉक्यूमेंट विच इज सेंट बाय द टू द एट द टाइम ऑफ, उसे क्या कहते हैं हम? डेबिट नोट. इज इट क्लियर? क्या आपने कॉपी किया ये? आप कॉपी करें ये डेबिट नोट, एक मार्क्स वाला आता है, समझ आ रहा है? कॉपी करें. ऊपर क्वेश्चन होगा, इट्स इलस्ट्रेशन, समझ आया? क्योंकि क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्वेश्चन का आंसर भी है ना. अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक, प्रिपेयर सबसे पहले रिटर्न टू निर्दोष मिल्स ऑफ सूरत. नाम क्या है इसका? रिटर्न टू, हमने रिटर्न किसे किया? निर्दोष मिल्स को. सो हमने रिटर्न किया, इट इज परचेज रिटर्न. ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है. रिटर्न टू बीबीएन केमिकल बनारस, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर. लेकिन रिटर्न टू दिलशाद कॉर्पोरेट्स कोलकाता फॉर, ये रिकॉर्ड क्यों? परचेज रिटर्न बुक सिर्फ रिकॉर्ड क्या करता है? क्रेडिट परचेज रिटर्न. ओके, लास्ट वन, रिटर्न टू प्रेम ब्रदर्स बिदोई, नाम है इनका, या बिदोई इज अ प्लेस, हाफ मून्स, कुछ फुट मैट्स, ट्रेड डिस्काउंट, इतना ही. अब ये क्वेश्चन करेंगे, आंसर निकलेगा और आपका ये सब्सिडरी बुक खत्म. चले, आया मुझे फॉर्मेट, आया मुझे? आपको बनाना है ना? चले, ओके बेटा जी, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे बेटा? निर्दोष मिल्स. बेटा क्या है नाम है इनका? निर्दोष, पर ये किसी भी एंगल से निर्दोष नहीं लग रहे, निर्दोष सूरत. टफ लगा जी? प्लीज बेटा, निर्दोष मिल्स सूरत, जरा क्या किया हमने वापस? 150 पीसेस 2x4 ऑफ स्किन शेप्स, मतलब 2x4 हम लाते हैं ना. आपको तो पता होगा, आप लड़कियों को ज्यादातर आप पर्दे जब लाते हैं इस डायमेंशन के, या कारपेट लाते हैं इस डायमेंशन के, ऐसे ही 2x4 ये इसका साइज है, ठीक है? नाम क्या है इसका? स्किन शेप्स, स्किन शेप्स. ओके, 2x4 है ये, कितने हैं? 150 पीस एट द रेट ऑफ 400 पर पीस,
हम ऐसे लिखेंगे 150 इंटू 400। अब दूसरा स्किन शेप है जो 5x8 है, ठीक, स्किन शेप्स 80 पीसेस, एक पीस कितने का है 700। टफ लगा जी? नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बेटा। बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे आप 150 इंटू 400, दैट इज 56,000। अब यहां पे इनका टोटल करेंगे, बताए 116,000। लेकिन इसमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं, मत है। तो देखिए बेटा, ये टोटल आप यहां पे नहीं लिखेंगे, ये टोटल आप डायरेक्ट कहां पे लिखेंगे? टफ लगा जी? इजी, कोई क्वेश्चन था ना, ही डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं। अब ये हम करते हैं बंद, ठीक हो गया इनका। बता दीजिए बेटा दूसरा कौन सा है? अब बीबीएन केमिकल्स बनारस, ऊपर लिखना है नाम बीबीएन केमिकल्स, कहां का है ये? बनारस, बीबीएन केमिकल्स बनारस, इज इट क्लियर? ओके जी, जरा बताइए बेटा क्या हम वापस करते हैं सीनरीज, ठीक है? सीनरीज है 30 मल्टीप्लाइड बाई 920। फुल कट स्किन ये कुछ होंगे, फुल कट स्किन्स बेटा कितना? 40 मल्टीप्लाइड बाय 200। बताइए बेटा कितना होता है ये? 30, वेरी गुड, 27, वेरी गुड, 27600, दिस इज 8000। बेटा टोटल करें आप इसका 35,600। लेकिन वहां पे डिस्काउंट कितना है जी मैम? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? ओके, देर इज डिस्काउंट, देर इज डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट? क्या होता है? माइनस, ठीक, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35600 17। ये माइनस करना है और हमें इसका अमाउंट निकलेगा, बता देंगे मुझे आप 33। टफ मत लगा, समझ आ रहा? 33820, इज इट क्लियर? अब बता दीजिए बेटा यहां तक ठीक? अब कौन, क्या दिलशाद कॉर्पोरेट्स रिकॉर्ड होगा? बेटा दिलशाद कॉर्पोरेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसे क्रॉस मारते हैं। अब इसके बजाय क्या रिकॉर्ड होगा हमें? नेक्स्ट इज प्रेम ब्रदर्स, क्या है? प्रेम ब्रदर्स, प्रेम ब्रदर्स बेटा क्या है? बिडोई, इज इट क्लियर? अब बता दीजिए हाफ मून्स है, हाफ मून्स कितने हैं? 25 इंटू 600 पर पीस, इज इट क्लियर? फुट मैट्स कितने हैं इंटू बेटा? बताएंगे बेटा कितना होता है ये?
50,000 भाई, तो मैं देख रहा हूँ दिस इंटू दिस 1,4, इसको टोटल करेंगे हम क्या बेटा? ऐसे नहीं बोलते, देखो कैसे बोलते, 29080, समझ आ रहा है? ओके जी, इसके बाद देयर इज ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट वो क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच? 10/100, बताएंगे कितना? 29, बताइए बेटा कितना हुआ? 26, बता दीजिए बेटा, ये जो ये है ना, ये चीज है, टोटल करें आप 1,1759. ओके, व्हाट इज, व्हाट यू कॉल दिस? टोटल ऑफ टोटल ऑफ बेटा किसका? परचेज रिटर्न बुक इज ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट. आपको पता है किस साइड? सेल बताओ किस साइड आता है. ओके, परचेज बताओ किस साइड? परचेज का रिटर्न क्रेडिट साइड. समझ आया? ऑन क्रेडिट साइड. टफ मत लगा जी, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक बेटा, हो गया. कॉपी करो. ओके, हाँ जी बेटा जी, यू नो द जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न. देखो मत आया एक ही फर्स्ट गो में, क्योंकि इसका रिवाइज मत हमने ज्यादा किया है, ये बहुत इजी है. परचेज रिटर्न आप किसे देते हो? सप्लायर को. सो एंट्री इज सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. टफ लगा जी, व्हाट इज द एंट्री? सप्लायर अकाउंट डेबिट. आपको पता होगा ना, ज्यादातर ए बैच को कह रहा हूं बेटा. जर्नल एंट्री क्या है इसकी? सप्लायर अकाउंट डेबिट. सप्लायर क्या हुआ है? डेबिट. किससे हुआ है? परचेज रिटर्न. अब जो भी थे ना, वो सारे के सारे हमारे थे सप्लायर. क्या थे? वो हुए है डेबिट. किससे हुए है? परचेज रिटर्न से. तो सबसे पहले था हमारा ये निर्दोष मिल्स था, पहले आएगा हमारा निर्दोष मिल्स. आया? ओके, डेबिट साइड से तो परचेज रिटर्न. जरा बताइए अमाउंट. 1,16. ओके, डन. इसके बाद बेटा बीबीएन केमिकल्स. बीबीएन केमिकल्स भी हमारा क्या है? सप्लायर. तो परचेज रिटर्न बेटा कितना? 338. ओके, इसके बाद ये भी हमारा सप्लायर है, लेकिन हमने इसे वापस किया है कैश परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स. ख्याल रखना क्या. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव प्रेम ब्रदर्स. वी हैव प्रेम ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न कितना बेटा? 26172. अब मुझे बताओ, एक मिनट रुकिए बेटा, प्लीज बेटा. अगर ये है ना, ये दिलशाद कॉर्पोरेट्स, अगर मैं इसका देखता ना कितना आता, वो होता 50 × 700 और 60 × 1200. यही है ना? वन लैख 7,000 इतना ही. इसका ट्रेड डिस्काउंट क्या है?
लेस 8 डिवाइड बाय 100 वो कितना आया 85। जरा ये माइनस कीजिए आप 98। हाँ जी सर, आपने ये क्यों निकाला? हम तो ये रिकॉर्ड नहीं करते, पर परचेज रिटर्न अकाउंट रिकॉर्ड करता है ना। इसका नाम क्या है बेटा? परचेज रिटर्न अकाउंट आया ना, बाय सन्ड्रीज। टोटल क्या आया आपको? 175। पहले बताओ ना, 99। ये तो आया बाय सन्ड्रीज का मतलब ये आया परचेज रिटर्न बुक्स, ये आया परचेज रिटर्न। अब और एक चीज, बाय कैश कितना 98। समझ आया सर? नहीं, हेलो जरा बताओ, पे टू आमिर, पे टू दिलशाद, दिलशाद हुआ है ना क्रेडिट, दिलशाद हुआ है डेबिट, किससे? कैश से। समझ आ रहा है? अब परचेज रिटर्न में, ये परचेज रिटर्न है ना, किस साइड आएगा? ये क्रेडिट साइड, मगर क्या आएगा? बाई कैश। क्या बेटा? इतना ही लिखना है बस। मैं आगे जाके कभी डिस्कस करूंगा अच्छे से, असल में जितना आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है। ठीक, कहने का मतलब था मैंने ये जानबूझ के दिखाया, क्योंकि ये कैश आएगा परचेज बुक में भी, ये ना परचेज अकाउंट में भी, सेल अकाउंट में भी, ठीक, हर एक जगह। विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर दिस व्हाट यू कॉल इट परचेज रिटर्न बुक। अब इसी का आंसर क्या है? देखो, मैंने वापस किया निर्दोष मिल को, मैंने किया परचेज रिटर्न, उसके लिए क्या है वो, क्या है वो? अब हमें करना है सेल रिटर्न। आपको मैं फोटो उठाना है, नाउ लिसन। हाँ जी, व्हाट वी हैव, जरा बताए, द बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, इज इट क्लियर? ठीक है, द बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली, बेटा क्या लिखा हमने? ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेल रिटर्न बुक, इज कॉल्ड सेल रिटर्न बुक। जरा बताए, इट डजंट रिकॉर्ड, व्हाट इट डजंट रिकॉर्ड? इट डज नॉट रिकॉर्ड बेटा जी, इट डज नॉट रिकॉर्ड। जरा बताओ क्या? कैश सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, कैश सेल रिटर्न ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ एसेट्स, इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, आपने जब सेंड किया, यू बीइंग द कस्टमर, आपने मुझे सेंड किया अपना डेबिट नोट, क्या किया था? समझ आया? क्या किया था सेंड? डेबिट नोट। अब यहां पे हम बनाते हैं क्रेडिट नोट, क्या ख्याल रखना बेटा, क्या बनाते हैं? अब याद रखे, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न हमें वापस आई, सेल रिटर्न आपने क्या दिया? डेबिट नोट। हम क्या देंगे? आपने क्वेश्चन किया था,
हम क्या करेंगे आंसर द डॉक्यूमेंट विच इज सेंड बाय कस्टमर टू सप्लायर दैट वॉज डेबिट नोट द डॉक्यूमेंट विच इज सेंड बाय सप्लायर टू कस्टमर दैट्स कॉल्ड नहीं समझे द विच इज सेंट विच इज सेंट बाय कौन सप्लायर टू कस्टमर बेटा कब एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड क्रेडिट नोट बेटा अब बताओ इट इज एन आंसर इट इज एन आंसर किसे है ये आंसर डेबिट नोट का अब लिसन टू मी माय डियर थोड़ा बहुत यहां पे आप चेक कीजिए जब हमने डेबिट नोट बनाया ना हमने हर एक सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया यहां देखिए बेटा हर एक सप्लायर का अकाउंट क्या किया डेबिट डेबिट नोट का मतलब है इट इज एन इंटीमेशन दैट योर अकाउंट इज डेबिटेड क्या इट इज एन इंटीमेशन टू द सप्लायर दैट योर अकाउंट इज डेबिटेड मींस डिक्रीज्ड सप्लायर इज क्रेडिटर फॉर्मूला इज डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज समझ में आया अगर तुम पार हो लाकुट बात समझिए कुछ चीजें आपको बुक पे समझ नहीं आएगी ना ही लिखी होती है वहां पे राइट टू अंडरस्टैंड डेबिट हुआ ये सप्लायर है ना मेरा सप्लायर मींस जो गुड्स देता है उधार पे देता है वो क्रेडिटर है क्या है वो क्रेडिटर है ना क्रेडिटर मींस लाइबिलिटी लाइबिलिटी की फॉर्मूला डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द वही है फॉर्मूला Debit note is an intimation that the supplier's account is debited. Debited means decreased. क्योंकि हमने आपको goods वापस बेचे. ख्याल रखना. क्या बेटा? Debit note. It is an intimation to the supplier that your account is debited. समझ आया? हुआ debit. अब यहाँ पे आया था ना by cash से. देखो. एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर की जगह हम लिखेंगे कैश सप्लायर की जगह क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज रिटर्न हुआ है क्रेडिट किसे कैश से अभी समझ आए या ना आए इलेवंथ में समझ आए या ना आए लेकिन ये चीजें वो है अगर कल को आप बनोगे कॉलेज में ठीक है टीचर तो ये चीजें उस वक्त आपको जरूरत लगे Debit note is an intimation that your account is debited. Debited means decreased. मतलब हम ओ करते थे उसे 10,000 रुपए कितना हमने उसे 2,000 के गुड्स वापस बेचे अब कितना है that your account is debited. ये उसी को पता चलेगा जिसका जर्नल होगा बहुत स्ट्रॉन्ग ठीक ओके नाउ क्या पढ़ रहे थे हम क्रेडिट नोट क्या है अब कस्टमर है ना Customer is our debtor. Customer is our debtor is asset. Formula is debit the decrease, credit the debit the increase, credit the decrease. Your account is credited means decreased. अच्छा छोड़ दीजिए ये कुछ बच्चों को समझ आया होगा अब बनाएंगे कैसे बस received back. बड़ा किससे received back का मतलब वापस आया किससे आया मगर यहां पे ख्याल रखना बेटा यहां पे क्या है क्रेडिट नोट ऊपर लिखेंगे बेटा क्या सेल रिटर्न बुक लिसन टू मी माय डियर रिसीव्ड बैक फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी पहले लिखे कृष्णा क्या लिखेंगे बेटा प्लीज बेटा जी कृष्णा एंड
बेटा कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी, फिर से समझिए, फिर से समझिए। ओके, बेडशीट डजंट टॉवल पिलो कवर, ठीक। ओके, लिखेंगे बेटा क्या क्या है लिखना है, एक तो लिखना है बेडशीट, और क्या लिखना है, टॉवल्स, टॉव, पता ना कैसे समझी, पिलो कवर्स, ठीक। बताए बेटा ये बेडशीट कितने हैं, मगर इसका है ना अपना डिस्काउंट। लिसन 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 बेटा जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, इसका कोई डिस्काउंट नहीं है, इसका है 10% डिस्काउंट। किसका, इनका है 10% डिस्काउंट, क्या है, ओके 12 × 4 = 5, एक मिनट, 12 × 4 = 5 कितना हुआ, 50, ओके 5100, इज इट क्लियर, इसका ना डिस्काउंट क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10 / 100 × 5100 बेटा कितना, 510, इज इट क्लियर, बताइए बेटा ये कितना हुआ, हाँ 4 4 5 9 0। अब डजन टॉवल्स, टॉवल्स हाँ कितने डजन, 2 डजन, एक डजन कितने का, 300 रुपए का, तो 600 रुपए आ गया, इसमें मत कोई डिस्काउंट है। ओके, पिलो कवर्स क्या है बेटा, पिलो कवर्स कितने हैं बेटा, 15 है ना बेटा, 15 है, हाँ एट द रेट ऑफ क्या है बेटा, जरा बताओ बेटा, 15 एट द रेट ऑफ 20 है ना, बताइए कितना हुआ वो, 15 एट द रेट ऑफ 20, 300। अब बताए इसका है ना डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट, 10%, वो क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10 / 100 × 300, दैट इज 30, सो 270 इसका आया, शुरा अखाई कैरी, तो इसका अमाउंट कितना आया, 5460। टफ मत लगा जी, बताइए बेटा दूसरा क्या है, करीना ट्रेडर्स, करीना ट्रेडर्स, करीना ट्रेडर्स गुड्स वापस भेजे, जरा भेजे बेटा, इसने क्या क्या भेजे, ब्लैंकेट्स और हैंडकरचीफ्स, बताएंगे ब्लैंकेट कितनी, 3 × 1500, हैंडकरचीफ्स, थ्री × 48, जरा बताए बेटा, 4500, 1, सो दैट्स इक्वल 4644। नाउ द लास्ट वन, नाउ द लास्ट वन बेटा क्या है इसका नाम, रणधीर एंटरप्राइज, क्या है नाम, हैंड टॉवल्स, ठीक है, बताया हैंड टॉवल कितने हैं, 10 × 360, बेडशीट्स बेटा, बेडशीट्स क्या है, 16 ×, जरा बताए बेटा कितना हुआ,
पहले का आया 3600 और आया 4000, इसका सम करेंगे 7600, इन तीनों का सम करेंगे 4017704. ओके, नाउ दिस इज टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट. लिसन टू मी माय डियर, यहां पे लिखेंगे टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट. जरा बताइए बेटा किस साइड, किस साइड? सेल कहां से आता है, सेल रिटर्न कहां से आएगा? ऑन डेबिट साइड. इज इट क्लियर? कॉपी करें बेटा. लास्ट एंड बाय बाय करते हैं इस टॉपिक को. जरा बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सेल रिटर्न की. सेल रिटर्न ओके हेलो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कस्टमर अकाउंट. ओके, अगर हम जरा यहां देखिए बेटा, बेटा जी अगर हम किसी भी कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे ऊपर होगा बेटा, प्लीज बेटा यहां देखिए ऊपर होगा आपका कस्टमर, क्या आएगा कस्टमर अकाउंट. दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट. कस्टमर है आपके लिए डेटर, क्योंकि उसे आप बेचते हो ना गुड्स, वो है डेटर. डेटर इज एसेट, फॉर्मुलाइज एसेट इज डेबिट द इंक्रीज. कस्टमर क्या हुआ है, क्रेडिट. क्या हुआ है, क्रेडिट किससे हुआ है? बाय सेल्स रिटर्न. क्रेडिट नोट क्या कहता है? इट इज एन आंसर टू द कस्टमर दैट हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड. क्या क्रेडिटेड मींस डिक्रीज. समझ आ रहा है क्या बेटा? क्रेडिट नोट में क्या होता है, हम कस्टमर को बताते हैं दैट हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड. क्रेडिटेड का मतलब समझना, क्रेडिटेड का मतलब डिक्रीज. अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये बनाना इजी है ना, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड, आप खुद बनाएगा, बुक पे नहीं देखना ठीक, खुद कोशिश करना. सबसे पहली डेफिनेशन बताओ मुझे, डेबिट नोट द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द विच इज सेंट बाय द सप्लायर, सेंट बाय द कस्टमर टू द सप्लायर एट द टाइम ऑफ is called debit note. The document which is sent by the supplier to his customer at the time of sale return is called credit note. Debit note, it is a question to credit note. Debit note is a question to credit note. Samajh aa raha hai? Credit note is an answer to debit note. Tough mat laga. Okay. Debit note intimates, it is an intimation to the supplier to the that his account is debited. Credit note, it is an intimation to the customer to the that his account is credited. Aage teen samajh aa raha hai? Okay, sabse pehle debit note is basis. Debit note is for preparing purchase return book. Credit note is basis for preparing sale return book. Tough laga? ओके, सबसे पहले क्या बनाते हैं, फर्स्ट डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड. समझ आ रहा है? एट फाइनल क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड. हो गए पांच, और भी लिख सकते हैं आप.
टफ मत लगा, डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, समझ आया? ठीक, दिस वॉज योर सब्सिडरी बुक, दिस वॉज योर डेबिटेड क्रेडिटेड। मेहरबानी करके बात समझना मेरी, मंडे के दिन आप दिन जाया नहीं करेंगे। मंडे के दिन आपने जाया किया तो समझना सेकंड पोर्शन, क्या बेटा, सेकंड पोर्शन किसका, अकाउंटिंग का, वो जाया हो जाएगा। ठीक है,